मेजर शाह, तालिबान भी कम नहीं है, ड्रेसेस बदल रही हैं और ज्यादा अत्याधुनिक हो रहे हैं। बद्री बटालियन की बात हो, कभी काले कपड़ों में नजर आते हैं, कभी उनके कपड़ों का रंग सफेद हो जाता है, अलग अलग तरीके से हाईटेक है। वो रंग बदलते रहते हैं, 20 साल पहले अलग रंग में थे, अभी अलग रंग में आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अलग कपड़ों से। तो अभी बहुत जल्दी है किसी को भी इनके बारे में एक जजमेंट लेना और बोलना। अब मैं आपको पंचीन के बारे में बता देता हूँ। पंचीन में जैसे कि अभी वहां पे तैयारी हो रही है तालिबान से लड़ने की, क्योंकि वो इलाका अभी ऐसा है जो अभी तालिबान के रूल में नहीं गिरा है। तो पंचीन जो है, जब पांडव जो थे ना, जब ये मोक्ष की तलाश में गए थे तब ये पंचीर आए थे, तभी इसका नाम तब से पंचीर रख गया है, जो कि पांच शेर का इलाका कहलाता है। अब जो अभी यहाँ पे अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं, अहमद मसूद, वो और अब्दुल्ला सलेह वहां पे तैयारी कर रहे हैं, और वो यूएन की फोर्सेस, जो अलाइड फोर्सेस है, उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं। जितने भी फोर्सेस तालिबान के खिलाफ है वहां से शुरुआत वहां से हो रही है। तो वो शुरुआत, देखिए शुरुआत होनी बहुत जरूरी है। तो अभी क्योंकि अफगान फोर्सेस ने, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कोई टफ फाइट दी या सरेंडर कर दिया, अरे एक गोली चली ही नहीं। अगर 150 कुछ लोग शहीद होते फोन के फौज के, मैं मान सकता था, उसके बाद सरेंडर कर रहे हैं, 1000 लोग शहीद हो गए तब सरेंडर कर रहे हैं। इन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो मतलब इनका पहले से ही टाइप था। तो उसको ये तालिबान की जीत नहीं है, ये अफगान मिलिट्री की हार है, बहुत बड़ी हार है। और बड़े शर्म की बात है कि भाई ऐसी मिलिट्री, भाई जो केवल अफीम, गांजा, चरस सुनती है, इनको कहीं क्या क्या तरह तरह के पदार्थ कंज्यूम करती है, और लड़ने में इनको आता ही नहीं कुछ भी, और ये सरेंडर कर जाते हैं। तो अब देखते हैं पंशीर से क्या होता है। लेकिन अभी अफगान की, तालिबान जो अभी पावर में जाके बैठा हुआ है अभी वहां पे अफगानिस्तान के तरीके से, अभी देखना यह है कि इनका जब एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो ये क्या जारी करते हैं, रिलीजियस तरीके से, मिलिट्री तरीके से, रजीम के तरीके से, इनका क्या रवैया होगा, इनकी लीडरशिप क्या होगी। अब ये एक और चौंकाने देने वाली बात है, जो उनके राष्ट्रपति भागे थे, गनी पैसे लेके भागे वहां पे, अब यूएई में है अभी इस टाइम पे। तो अभी वही घनी को तालिबान वापस कह रही है, आप आ जाइए वापस, और ये नेगोशिएशन टॉक्स में है, हम आपको अपने गवर्नमेंट का हिस्सा बनाएंगे। अरे एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एक चीज होती है ना। अगर वो राष्ट्रपति वहां से भागे तो मतलब, तो आप अगर वो आएंगे वो टॉक्स पे, उनको टॉक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है। जब यूएई गवर्नमेंट है, उनको रूपांतरित ग्राउंड में उनके परिवार को कह दिया है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप यहाँ पे महफूज रहेंगे, बस खत्म कहानी। आप सोच सकते हैं कि एक देश जहाँ की लीडरशिप ही इतनी फॉल्टी है, लीडरशिप ही जब वहां से भाग रही है, तो बाकी लोगों का क्या हिसाब होगा वहां पे। लीडरशिप तो मजबूत क्या होने पर, पहले मजबूत नजर आई, ऐसा लग रहा था। एक दिन पहले बयान देते हैं अशरफ गनी कि आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। अशरफ गनी ये सब कुछ पहले से प्लान कर रहे थे, स्क्रिप्टेड था, इसीलिए पॉसिबल हो पाया, वरना 3 लाख अगर टक्कर देते 75,000 को तो जीत निश्चित थी। जिन परिवार नजर नहीं आ रहे, शायद गट्सनेट हो गया, तो मैं वो जवाब मैं देता हूँ आपको जी। बात ऐसी है कि ऐसा नहीं कि अफगान फोर्सेस ने घुटने टेक दिए इनके आगे या ये हुआ, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, और इसके पीछे काफी कुछ हुआ है। अब मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ। 29 फरवरी 2020 को कतार में, दोहा में, शेरेटन होटल में एक मीटिंग हुई, जहां पे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव सलमे खलीलजाद और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव ब्रादर जिनको नाम दिया था मौलाना उमर ने, क्योंकि ये जब टीनेजर थे, जब ये 20 साल के बने हुए, इनकी दोस्ती हो गई थी, इन्होंने साथ में फिर 94 में जाके तालिबान फॉर्म किया था। और कहते ऐसे हैं कि ब्रादर एक बार मोटरसाइकिल पे अपने दोस्त को, अपने इनको लेके, मौलाना उमर को लेके मोटरसाइकिल से भागा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि हामिद करजाई साहब को इन ब्रदर ने एक बार बचाया भी था, उनकी जिंदगी बचाई भी थी, और ब्रदर को अरेस्ट कर लिया था पाकिस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान में आठ फरवरी 2010 में क्योंकि वहां से ये अपनी एंटी, अपनी जो भी एक्टिविटीज है ये चला रहे थे। उसके बाद सलमे खलीलजाद, यूएस का इंटरवेंशन हुआ, फिर जाके ये
7-8 साल के बाद वहां से रिलीज होकर आए और अभी जब ये 3 दिन पहले वापस दोबारा अफगानिस्तान में आ रहे थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति बने अगर ये मगर उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के उन्होंने कह दिया बाय डिफॉल्ट भाई मैं राष्ट्रपति हूँ, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। तो अभी अफगानिस्तान में इतनी ट्रिकी सिचुएशन चल रही है और इनकी लीडरशिप भी इतनी फॉल्टी है। अब आप सोच सकते हैं जहां पे मिलिट्री नहीं और मेजर शाह मुझे ऐसा लगता है कई बार अंधेरे से निकलने के लिए उम्मीद की किरण भर बाकी हो तो फिर इंसान उस अंधेरे से निकल सकता है और ऐसी उम्मीद की किरण अमीरुल्ला साले से और साथ ही साथ अहमद मसूद से अफगानिस्तान के लोगों को है। शायद उसी का नतीजा है कि लोग इतना ज्यादा मजबूती के साथ सड़कों पर हैं, इतनी ज्यादा हिम्मत कर पा रहे हैं जिनमें महिलाएं भी अच्छी खासी तादाद में हैं। उम्मीद हम यही करेंगे पंजशीर के ये शेर डटे रहें और तालिबान को इसी तरीके से खदेड़ते रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर शाह।